जो हमारा धार्मिक पक्ष है, पर्व और त्योहार आते थे, जब कमाई करनी है, जब आस्था का सम्मान करना है, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया टूट दिया तोड़ दिया जाता था, और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और दंगाइयों को पहले नीचे संदेह दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। और भैया बहनों, दंगा नहीं हो सकता प्रदेश में। पर्व और त्योहार किस खुशी के साथ मनाए जा रहे हैं, कभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने पूछा भी कितनी जगह मूर्ति रखी जाती है, तो मेरे पास जो सरकारी डाटा आए थे वो आए थे 41,000 स्थानों में।